यही था हमारा सबसे बेस्ट प्रोटीन शेक गाइस ये वाला श्योर ट्राई कीजिए यार आप लोग मतलब एकदम एक नंबर बनता है जैसा कि देख सकते हैं सो वॉइस ऑफ लवली पीपल मैं ध्रुव जूलियस और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मिस्टर वैरायटी का चैनल तो गाइस मैं बहुत देखता रहता हूँ YouTube पे क्या है? देखता हूँ ना कि आ, मतलब लोग ना प्रोटीन शेक्स के लिए बहुत होते हैं लोग इसके लिए ये तो मतलब नॉर्मल नॉर्मल वाला शेक है पर लोग मसल ब्लेस और वो सब ज़्यादा लूज करते हैं लाइक like, उन लोग को पसंद है पर वो अच्छा नहीं होता है तो मैं आज ये भी नहीं यूज करने वाला हूँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मेक द लाइक होम मेड प्रोटीन शेक गाइज बहुत ज़्यादा न्यूट्रिय होता है इसमें मैं सबका बता सबका लिखते रहूँगा साइड साइड में आप लोग देख लीजिएगा कितना ग्राम्स होता है उसमें ठीक है तो मतलब कंटेंट कितना होता है उसमें प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स सब कितना होता है तो चलिए मैं बना बनाना स्टार्ट करते हैं अभी तो हम लोग शुरू में ले लेते हैं हम लोग इस बार के लिए बड़ा जार नहीं लेंगे इस बार छोटा ही जार लेंगे क्योंकि मैं बस अभी एक आदमी के लिए बना रहा हूँ आप लोग आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए मतलब एक आदमी के लिए जितना मैं बोल रहा हूँ दैट इज द बेस्ट ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैं अडाप्टर में अपना ये लगा दिया हूँ जो कि है मिक्सी का ये मशीन जिससे ईजी पड़े नहीं तो कॉर्ड यहाँ तक पहुँच नहीं रहा था तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप क्या कीजिए ना ये आपका है जैसे कि मिक्सी का जार है शुरू में आप लोग ले लीजिए ड्राई आइटम्स लाइक बादाम काजू और ये इसको क्या बोलते हैं वॉलट आई थिंक सो नो नो पीनट्स पीनट्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में तो पीनट्स बोलते हैं हिंदी में आई डोंट नो डों बोलते क्या इनको तो नॉर्मल आदमी के लिए गाइस इसमें से पाँच पाँच या छ लाइक एक दो तीन चार पांच दो तीन चार पांच है ना पांच आर इनाफ गाइस लाइक पांच डाल दिया हमने एक बाउल ओट्स गाइस लाइक एक बाउल सिर्फ इतना एक मुट्ठी भर ओट्स आना चाहिए बस उससे ज्यादा नहीं डालिएगा ओके नॉट नॉट गुड गुड उतना इन एक्सेस इज कभी भी भी ठीक है और यहां पे काजू थोड़े कम डालिए जैसे छह काजू डालते हैं तो एक दो तीन चार पांच और दो और डाल देते हैं और एक और बादाम डाल देते हैं ओके okay, देन अब हमको डालना है अपना ये जो बोलते हैं पीनट्स जिसको पीनट्स आप नॉर्मल डालिएगा इस ज्यादा नहीं डालिएगा इतना ले लिया मैंने इतना डाल दिया देख लीजिए कैसा है और थोड़े जा सकते हैं ज्यादा मत लीजिएगा कुछ भी ज़्यादा नहीं लेना चाहे वो आमंड हो या काजू हो या बादाम या कुछ भी हो उनमें से ज्यादा नहीं लेना ओके तो यहाँ पे हम लोग ये सब ले चुके हैं अब हम ले लेते हैं क्या बोलते हैं इसको हमारा बिस्किट्स का दो बिस्किट लीजिए एक आदमी के लिए इतना काफ़ी है आपको बस इनको क्रश कर देना है और इसके अंदर डाल देना है ठीक है और दूसरा भी ले सकते हैं और क्रश करके डाल सकते हैं ओके तो अभी हम लोग बस ये ड्राई इंग्रीडियंट्स हमारा सब हो चुका है तो अभी हम लोग इसको मिक्सी कर देते हैं आप सब एक साथ कर सकते हैं बट मैं बस वीडियो के अच्छा होने के लिए बस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग से कर देता हूँ और उसी में हम लोग ऐड कर देंगे अपना पीनट बटर और हनी कोको पाउडर का इस मैं बाद में बताता हूँ उसके बारे में तो चलिए अभी मिक्सी करते हैं तो यहाँ पे हमारा मिक्सी का जार रेडी है इसको बस एक अच्छा सा शेक दे देते हैं देने का ज़रूरत नहीं है अब हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं और उसके बाद हम लोग बस करते हैं इसको स्विच को ऑन करते ही ये चलने लग जाएगा ओके okay? देख लीजिए ये वाला सॉरी गाइस स्विच ऑन नहीं और यहाँ पे हम लोग इस स्विच को ऑन करते हैं मेरा मिक्सी चल जाता है ये डायरेक्ट है तो हम लोग इसको ऑन करते हैं और है बस ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए इतना काफ़ी है इसको हम लोग और एक शेक दे देते हैं जिससे सब नीचे आ जाए उसके बाद इसको खोल देते हैं अब वेट इंग्रीडियंट्स डालते हैं अब आ गया है मौका वेट इंग्रीडियंट्स डालने का तो चलिए ये हमारा ड्राई यहां पे बन चुका है देख सकते हैं कैसा पाउडर एकदम हो चुका है आप इसी को ऐसे ही रखिएगा उसके बाद हम लोग अभी केले डालते हैं सबसे पहले केला तो केला हमको दो डालना है एक आदमी के लिए दो केलाफ ओके तो दोनों केला डालते हैं ओके देन यहां पे हमारा दो केला है इनको बस हम काट काट के अंदर डाल देते हैं लाइक पूरा मत डाल दीजिएगा ठीक है नहीं तो लाइक वही प्रॉब्लम आएगा थोड़ा सा मिक्सी करने में तो इसको बस डाल दीजिए आधा आधा करके केला को अलग से कर लेते हैं क्योंकि केला का थोड़ा सा बड़ा पीस डाल दिया है मैंने अंदर तो पहले हम लोग केला का कर लेते हैं ठीक है मिक्स ओ, हाथ में भी लग गया तो हाथ धो लेते हैं जल्दी से तो यहाँ पे रेडी है केला और ये सब इनको भी एक अच्छा सा अ, मिक्स दे देते हैं और इसके बाद हम लोग रखते हैं अपनी मिक्सी पे इसको यहाँ पे अच्छे से टाइटली बंद कर दिया और ये ऑन कर दिया हमने हम लोग इसको ट्राई करते हैं वैसा बिल्कुल घर पे ट्राई मत कीजिएगा <laughs> तो यहाँ पे आ गया है हम लोग का यहाँ पे अच्छा सा मिक्स हो चुका है अब हमको क्या करना है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स मैं बता देता हूँ आपको तो यहाँ पे हमारा ना जो जो है ना प्रोटीन चेक वो बहुत uh, गाढ़ा हो गया है तो हम लोग इसमें थोड़ा और एक दो आलम डाल देते हैं और एक काजू और देन समो पीनट्स एंड दे एल्स ओके अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं जैसे थोड़ा सा हमारा वॉटर बन जाए इसमें पानी या दूध कुछ भी ऐड कर सकते हैं मैं इतना गरीब हूँ भाई <laughs> मजाक कर रहा था मैं पानी ऐड करूँगा थोड़ा सा जिससे थोड़ा सा नॉर्मल पानी जैसा हो जाए उसके बाद वीला ऐड दूध यहाँ पे मैं इसमें पानी डाल दिया जैसा कि देख सकते हैं तो इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्सी कर देते हैं एक और बार यहाँ पे ऑन बेड एंड ऑन Okay, अच्छे से हो गया है अब इसको खोल देते हैं ओके okay, गया ये खोल चुके हैं अभी ये थोड़ा सा गाड़ा है अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं गए अब आपको करना क्या है ठीक है अब करना क्या है आपको दूध डालना है नॉर्मली लाइक like, हम लोग इतना दूध लेते हैं एक ग्लास दूध है ये इतना आप अपने हिसाब से डालिए कितना डाल सकते हैं अब डालते हैं दूध इसमें मैं सोचता हूँ इतना काफ़ी है या और थोड़ा डाल देते हैं एंड दिस मच इज बेस्ट ठीक है ओह कितना सा बाकी है बोलिए ये पूरा डाल दिया दूध एक कप इतना का एक कटिंग जितना ठीक है इतना डाल देना है हमको दूध और जैसा कि देख सकते हैं दूध इतना है हमारे इसमें ओके इतना दूध है अब हम लोग को डालना है एक चम्मच या दो चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा चांसेस में दो चम्मच नहीं तो मन एंड हाफ़ मोर देन इनफ या एक चम्मच इज ऑल्सो इनफ पीनट बटर एक चम्मच डालना है हमको ठीक है यहाँ पे हम लोग एक एक स्पून पीनट बटर ले चुके हैं तो पीनट बटर हम रख देते हैं यहाँ पीनट बटर को हम डाल देते हैं अंदर पीनट बटर को डाल देते हैं अंदर और इतना पीनट बटर बस गाइस अब हम डालने वाले हैं हनी तो इस स्पून को रखते हैं यहाँ अब लेते हैं हनी हनी एक स्पून काफ़ी है हनी इज ओनली फॉर टेस्ट और गाइज मैं एक बात बता दूँ ये बहुत मस्त होता है एक को कोई भी आप अगर प्रोटीन शेक बना रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छा अच्छा विटामिन होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है और सब कुछ होता है और इसमें गुड फैट्स भी होता है सब तो जो भी है ये बहुत अच्छा चीज़ है ये ज़रूर एक घर में रखिए और उसके बाद हम लोग को हनी डालना है हनी सिर्फ टेस्ट के हिसाब से डालना है तो एक स्पून मोर देन एंड हाफ यहाँ पे ले चुके हैं एक स्पून हनी और इसमें डाल देते हैं एक स्पून हनी हम लोग हम ओके okay, हनी एक स्पून डाल दिया मैंने एंड देन अगेन हनी को हनी को इसमें डाल दिया बस अभी के लिए इसमें रख देते हैं बाद में बंद कर देंगे उसको तो यहाँ पे हमारा प्रोटीन शेक तैयार हो चुका है इस पूरी तरह तैयार हो चुका है बस इतने से इंग्रीडियंट्स मैं बोल रहा हूं आपको बहुत सही कैलोरी वाला प्रोटीन शेक मिल जाएगा तो जल्दी से इसको करते हैं मिक्सी में शेक और मैं बता दूंगा इस बहुत लोग जो है कोको पाउडर यूज करते हैं कोको पाउडर इज नॉट गुड गज मतलब इसमें मत डालिए यार अच्छा नहीं होता है लोग सोचते हैं बस टेस्ट आ जाएगा चॉकलेट का बट नहीं मत डाला कीजिए आप अगर यही डाल देना है तो देन यू यूज दिस वन और समथिंग एल्स बट नॉट एक्सेस वन ओके सो so, ये भी यूज कर सकते हैं अगर ये यूज कर रहे हो तो ये यूज कर लो क्योंकि इसमें जितना है ना ये इसमें नहीं है गाइस ठीक है तो कोको पाउडर वेस्ट है गाइस यूज करोगे तो उससे अच्छा आप ये यूज कर लीजिए तो लेट्स जस्ट थ्रो इट गाइस ये इसका कोई औकात नहीं है इधर ये बस केक और ये सब के लिए जो फैट पैदा करता है कि इंसान में तो इसको फेंकते हैं यार और यहां पे फेंक दिया इसको तो चलिए इसको मिक्सी कर देते हैं गाइस वो यहां पे बंद हो चुका है ये अच्छे से तो चलिए इसको मिक्सी में करते हैं चलिए इसको मिक्सी में घुमाते हैं देन तो ये रख दिया भारी है थोड़ा सा तो अगेन ओके देन बंद लॉक्ड एंड देन ऑन थोड़ी देर छोड़ दीजिए गाइस नहीं तो जिससे ही अच्छे से हो जाए क्योंकि इसमें बहुत आ, वीडियो जब ये चल रहा था मैंने बोला और सुनाई तो दिया नहीं होगा तो इसको थोड़ी देर थोड़ी देर चलने दीजिए लाइक वन मिनट चलने दीजिए जिससे ये बहुत ठीक हो ठीक है तो पतला हो जाएगा इसमें थोड़ा सा और दूध डाल सकते हो आपकी मर्जी है मैं इतना थी ही पीता हूँ थोड़ा सा और दूध ऐड कर सकता हूँ मैं इसमें कोई बात नहीं मैं इतना में चलेगा और दूध चाहिए तो और दूध ऐड कर सकते हो आप अगर थोड़ा सा पतला बनाना है तो लेट्स चार्जेट

और ये भर चुका है गाइस देखिए तब भी इसमें बाकी है बहुत सारा गाइस जैसा कि देख सकते हैं इतना अच्छा है ये मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन्स है बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है और तब भी इसमें इतना सारा बाकी रह जाता है क्योंकि हम लोग ये सब बड़ा चीज डाल देते हैं तो दैट बिकम्स फैट तो गाइज तो यही था हमारा सबसे बेस्ट प्रोटीन शेक गाइज ये वाला श्योर ट्राई कीजिए यार आप लोग मतलब एकदम एक नंबर बनता है जैसा कि देख सकते हैं तो चलिए यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल मिस्टर बेराइटी तो गाइज मैं ऐसा डालते रहूँगा जिम पे डाल सकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो शायद मैं बास्केटबॉल भी डालूँ तो सब्सक्राइब मार दो यार मेरा चैनल को और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट द रेट ध्रुव जूलियस ध्रुव जूलियस तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो सी यू सून गाइज बाय